Welcome to my class English with Preeti ma'am. Student, today we are going to study figure of speech. That is given in the syllabus of class 12th especially. तो class 12th के student इसको बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि ये आपके exam में जरूर आएगा. Clear? तो चलिए देखते हैं figure of speech होता क्या है. फिगर ऑफ स्पीच जैसे हम हिंदी में अलंकार पढ़ते हैं. अलंकार क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ताकि जो हमारी राइटिंग है वो और उसकी खूबसूरती को बढ़ाया जा सके. तो फिगर ऑफ स्पीच को हम एक लाइन में समझते हैं कि वो क्या है. फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर. डिपार्चर मीन्स जो हम साधारण तरीके से लिखते हैं उससे हटकर. इसको हट के कह सकते हैं. अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ राइटिंग. ऑर्डनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन यानी कोई बात को हम जैसे सिंपल तरीके से कहते हैं ना उसे हम सिंपल तरीके से ना कहकर कुछ अलग तरीके से कहें जिससे उसका इम्पैक्ट उसका प्रभाव बहुत अच्छा हो. तो यही क्या है, ये कहलाता है फिगर ऑफ स्पीच. ताकि जो भी राइटिंग है वो उसकी खूबसूरती और बढ़ाई जा सके. तो क्लास ट्वेल्थ में आपके साथ फिगर ऑफ स्पीच प्रेस्क्राइब्ड है. इन सातों को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है. एक स्टेटमेंट या दो स्टेटमेंट आएगा और उसमें पूछा जाएगा कि बताइए कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है. जैसे अलंकार होता है तो आपसे पूछा जाता है कौन सा अलंकार है. तो चलिए देखते हैं कौन कौन से आपके फिगर ऑफ स्पीच है. नंबर वन इज सिमली. सिमली स्टूडेंट जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं उपमा अलंकार. तो सिमली क्या है, सिमली आपका उपमा अलंकार है. यानी जब दो चीजों के बीच में तुलना की जाती है लेकिन उन दोनों चीजों के बीच में जब तुलना की जाए तो दोनों चीज बिल्कुल अलग अलग टाइप की हो. तो ध्यान दीजिए जब दो अनलाइक थिंग्स मीन्स दो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के बीच में जब तुलना की जाती है कंपैरिजन किया जाता है तो वहां पे क्या होता है, वहां सिमली होती है. और सिमली का सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें वर्ड लाइक या एज यानी लाइक और एज वर्ड आते हैं. जैसे हम कहें कि तुम बिल्कुल वो इतनी ब्यूटीफुल है जैसे कि एक फूल हो, मतलब शी इज सो ब्यूटीफुल लाइक फ्लावर या शी इज सो ब्यूटीफुल लाइक फ्लावर. इस तरह से ये सो एज या लाइक ये तीनों वर्ड्स अगर आता है और दो डिफरेंट चीज में तुलना की जाती है यानी पहले तो एक लिविंग है गर्ल और दूसरा क्या है फ्लावर यानी दो बिल्कुल अलग अलग चीजों के बीच में कंपेरिजन किया जाता है तो वो कहलाता है सिमली. तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, शी लुक्स लाइक फ्लावर या हम कहें कि ही लुक्स लाइक मून. तो ये सब क्या है, ये यानी दो चीज के बीच में तुलना की जा रही है, ये हमारा सिमली है. क्लियर. अब आते हैं मेटाफर पर. मेटाफर क्या, स्टूडेंट इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करिए. मेटाफर, मेटाफर नहीं है क्या, मेटाफर. मेटाफर मीन्स रूपक अलंकार यानी इसमें भी दो अनलाइक थिंग्स के बीच में कंपेरिजन किया जाता है लेकिन इसमें सिमली की तरह ये जो वर्ड्स होते हैं सो लाइक एज ये तीनों वर्ड्स इसमें नहीं आते. यानी इसको हम कहते हैं इम्प्लाइड असेंबली. इम्प्लाइड असेंबली मीन्स इसमें डायरेक्ट हम किसी चीज की तुलना किसी से करते हैं तो उसको डायरेक्ट हम कहते हैं. जैसे हम कहें कि तुम शेर की तरह बहादुर हो तो की तरह यू आर ब्रेव लाइक अ लायन. तो ये क्या हुआ, ये हमारा सिमली हुआ. अगर हम कहें कि तुम शेर हो यानी तुम्हारी तुलना मैंने शेर से की लेकिन उसको तुलनात्मक शब्द जो है यानी लाइक सो एज ना यूज करके हम डायरेक्ट कहते हैं यू आर अ लायन. तो वो क्या हुआ, वो हुआ और हमारा मेटाफर. यानी इसमें दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में तुलना तो की जाती है लेकिन तुलना करते समय ये तुलनात्मक वर्ड ये लाइक सो एज ये तीनों वर्ड्स वहां पर बिल्कुल भी नहीं होते. गॉट इट. नाउ कम टू द नेक्स्ट, पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन मीन्स होता है मानवीकरण. यानी हम जब किसी निर्जीव चीज का यानी जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट है उसके साथ हम ऐसे बात करें या उससे ऐसे बिहेव करें जैसे कि उसमें कोई वो कोई मनुष्य हो यानी उसमें लाइफ हो तो वो कहाँ वहां पे कौन सा अलंकार आता है, वहां पे आता है हमारा फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन. जैसे हम कहें नेचर इज वीपिंग या नेचर यू लुक्स ग्रेट. तो नेचर क्या है, नॉन लिविंग है फिर भी हम उसको ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो लिविंग हो. या हम कहें एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर. अब एक्सपीरियंस क्या हमने उसको देखा है, यानी जो भी हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मीन्स जिसको ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं लेकिन उनसे उनको हम ऐसे बात करें जैसे कि वो ह्यूमन बींग हो तो वहां पर हमारा पर्सोनिफिकेशन आता है. क्लियर. एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर. अब वो एक्सपीरियंस टीचर तो नहीं हो सकती लेकिन उसको ऐसे बिहेव किया गया है जैसे कि वो ह्यूमन बींग हो. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज अपोस्ट्रोफी.
स्टूडेंट इसको अपोस्ट्रॉफी नहीं पढ़ेंगे, कैसे बोलेंगे? अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी मीन्स होता है अगर हम किसी को डायरेक्ट एड्रेस करें, यानी हम किसी को जैसे बुलाते हैं, जैसे हे वेयर आर यू गोइंग, तो जैसे हम कहें हे राहुल वेयर आर यू गोइंग, यानी हम किसी का नाम लेकर उसको ऐसे बात करें जैसे कि वो बिल्कुल लिविंग थिंग हो, तो ये क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है अपोस्ट्रॉफी। अब पर्सोनिफिकेशन और अपोस्ट्रॉफी में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। इसमें भी हम कहें, जैसे हम कहें डेथ, डेथ इज कीपिंग हिज हैंड ऑन द किंग। अब हमने क्या कहा? डेथ, ओ डेथ वेयर आर यू गोइंग, या ओ नेचर व्हाई आर यू वीपिंग। तो हमने नेचर को एड्रेस किया, यानी उसको हम बुला के कह रहे हैं, जैसे डायरेक्ट हम बात कर रहे हैं, ओ नेचर वेयर आर यू गोइंग, या ओ नेचर व्हाई आर यू क्राइंग। तो यहाँ पर भी इसमें भी नेचर था पर्सोनिफिकेशन में, तो उसमें हम लोगों ने तो मानवीकरण कर दिया, पर्सोनिफिकेशन कह दिया, तो इसमें अपोस्ट्रॉफी कैसे हुआ? क्योंकि हम नेचर को डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं, और इसमें जो अपोस्ट्रॉफी साइन होता है ये एक्सक्लेमेटरी साइन यहाँ पर आता है। जैसे हम कहें ओ नेचर व्हाई आर यू क्राइंग, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ओ नेचर, उसके बाद यहाँ पर हम अपना एक्सक्लेमेटरी साइन रखते हैं, ठीक है। तो ये साइन बहुत बड़ा उसकी पहचान है अपोस्ट्रॉफी की। ये साइन अगर आपको सेंटेंस में देखे तो तुरंत समझ जाइए कि वहां पे अपोस्ट्रॉफी है, क्लियर। यानी अपोस्ट्रॉफी और पर्सोनिफिकेशन में यही अंतर है कि दोनों में ही हम लाइफलेस थिंग्स को ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो ह्यूमन बींग हो, लेकिन हम अपोस्ट्रॉफी में उसको डायरेक्ट एड्रेस करके बात, यानी डायरेक्ट उसको बुलाकर बात करते हैं, और उसमें ये एक्सक्लेमेटरी साइन वहां पर जरूर होता है, क्लियर। तो ये डिफरेंस हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज हाइपरबोल। हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति अलंकार, यानी जब हम किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हाइपरबोल। जैसे ऑल परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीट इन माई हैंड्स, यानी अगर पूरे अरब देश की सारी परफ्यूम्स को भी ला दो तो भी मेरा इस हाथ से जो बैड स्मेल है वो नहीं जाएगी। तो यानी इसको एकदम बढ़ा चढ़ा के बताया, क्या पूरे अरेबिया के परफ्यूम को लाया जा सकता है, या इधर परफ्यूम यूज करने के बाद भी किसी के हाथ की स्मेल, बैड स्मेल जा नहीं सकती, यानी हम अतिशयोक्ति कर रहे हैं। तो वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल, यानी किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, ऑक्सीमोरॉन। स्टूडेंट अगेन ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन मीन्स विरोधाभास, यानी जब दो शब्द, दो बिल्कुल डिफरेंट शब्द, यानी ऐसे शब्द जिनकी मीनिंग बिल्कुल अपोजिट हो, दो वर्ड जब एक साथ एक ही सेंटेंस में आए तो वो कहलाता है ऑक्सीमोरॉन। जैसे हम कहें ही इज इरेगुलरली, जैसे हम कहें ही इज रेगुलरली इरेगुलर, यहां पर लिखते रहूं इरेगुलर, यानी वो लगातार रेगुलर। अब देखिए रेगुलरली क्या है इस, यानी जो रेगुलर हो, और इरेगुलर क्या है? जो रेगुलर ना हो, यानी दो ऐसे वर्ड जो बिल्कुल अपोजिट मीनिंग रखते हैं फिर भी वो एक साथ एक ही सेंटेंस में आए तो वो कहलाता है विरोधाभास, यानी ऑक्सीमोरॉन। यानी इसका कहने का मतलब वो लगातार रेगुलरली क्या रहता है? इरेगुलर रहता है। या हम कहें कि दिस इज ओपन सीक्रेट। अब अगर कोई चीज ओपन है तो वो सीक्रेट कैसे, या सीक्रेट है तो ओपन कैसे, यानी दो अपोजिट वर्ड्स एक ही सेंटेंस में और दोनों बगल बगल रहते हैं तो वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। क्लियर स्टूडेंट? नाउ सी द नेक्स्ट, ओनोमेटोपोया। ओनोमेटोपोया मीन्स जब किसी चीज की साउंड, यानी किसी ऑब्जेक्ट का या किसी इमोशंस का, किसी जैसे एनिमल्स हैं उनकी जो साउंड होती है, वॉइस होती है, अगर उससे हम उसका एक्सप्लेनेशन हो तो वो कहलाता है ओनोमेटोपोया। जैसे हम कहें द स्नेक इज हिसिंग, हिसिंग साउंड क्या है? वो स्नेक का जो बोलने का तरीका है उसको क्या कहते हैं? हिसिंग। तो वहां पे क्या है? वहां पे है ओनोमेटोपोया, क्लियर। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन स्टूडेंट आपके 12th के में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। एलिट्रेशन मीन्स जब किसी वर्ड का, यानी पहला लेटर, ये जो फर्स्ट लेटर है, जब एक सेंटेंस में ऐसे कई वर्ड्स हो जिसका फर्स्ट लेटर सेम हो, उसका प्रोनंसिएशन भी सेम हो, और वो लगा कंटिन्यूअसली आपका उस सेंटेंस में आए, तो वो कहलाता है एलिट्रेशन। ओके स्टूडेंट,
आई होप ये, चलिए लिटरेशन आप इसे रहने दीजिए, आपके सिलेबस में नहीं है, आप इन सेवंथ को ही देखिए। ओके तो सिमली क्या है, जस्ट हैव अ रीकैप। सिमली क्या है, सिमली है एक उपमा अलंकार, यानी जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है और उसमें कंपैरिजन वर्ड को दिखाने वाले वर्ड लाइक सो एज का यूज होता है, जैसे शी लुक्स लाइक फ्लावर। ओके नेक्स्ट मेटाफर, मेटाफर भी क्या है, वो भी दो अनलाइक चीजों के बीच में कंपैरिजन है, लेकिन इसमें इन ये लाइक सो एज ये वर्ड्स यूज नहीं होते और डायरेक्ट हम उस किसी को कहते हैं, जैसे शी इज अ फ्लावर या यू आर अ लायन। जैसे हम ये ना कहें कि यू आर लुकिंग लाइक अ लायन, हम क्या कहें, यू आर अ लायन, डायरेक्ट उसे लायन बनाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण, जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो ह्यूमन बीइंग हो, जैसे एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ओके नेक्स्ट इज अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या है, जब हम नॉन लिविंग थिंग या लाइफलेस या किसी जो डेड पीपल है, जो अब डेड हो गए, उनको किसी को भी हम डायरेक्ट एड्रेस करके यानी संबोधित करके उनको कुछ कहते हैं, कोई बात कहते हैं, तो वो कहलाता है अपोस्ट्रोफी। इसकी सबसे पहचान बड़ी क्या है, इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज होता है, जैसे हम कहें ओ डेथ वेयर हैव यू केप्ट योर हैंड, तो ओ डेथ के बाद यहाँ हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन होगा, तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये अपोस्ट्रोफी है। नेक्स्ट इज हाइपरबोल। हाइपरबोल मीन्स यानी किसी भी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना, जैसे ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीट इन माई हैंड। क्लियर, तो ये क्या है, कोई भी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन मीन्स विरोधाभास, यानी एक ही सेंटेंस में ऐसे दो वर्ड आते हैं जो इनकी मीनिंग बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जैसे हम कहें कि इट इज एन ओपन सीक्रेट, अब सीक्रेट है तो ओपन कैसे और ओपन है तो सीक्रेट कैसे, या हम कहें ही इज रेगुलरली इररेगुलर, अब ये दोनों वर्ड दोनों अपनी अलग अलग अपोजिट मीनिंग रखते हैं, फिर भी एक ही सेंटेंस में यूज हुए। नेक्स्ट इज ऑनोमेटोपोया। ऑनोमेटोपोया मीन्स जब साउंड के थ्रू हमें पता चलता है कि यानी किसी भी चीज का साउंड, जैसे डोर की क्रैकिंग साउंड हो या किसी एनिमल्स का साउंड हो जैसे हिजिंग, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑनोमेटोपोया। तो ओके स्टूडेंट, अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं जिसमें मैं आपको एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस दूंगी और आपको पता करना होगा कि उसमें कौन सा पर्सोनिफिकेशन है, सॉरी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम इसी फिगर ऑफ स्पीच का प्रैक्टिस सेट करते हैं। क्लियर। अब जैसे आपको स्टेटमेंट दिया होगा और आपको उसमें पता करना होगा कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो चलिए देखते हैं। व्हाट इज नंबर वन, लाइफ इज अ ड्रीम। स्टूडेंट इसमें क्या मैंने कहा, जब दो लोग चीज दो डिफरेंट चीजों के बीच में कंपैरिजन हो, लेकिन कंपैरेटिव वर्ड जैसे लाइक सो एज ये तीनों वर्ड ना हो, फिर भी कंपैरिजन हो, डायरेक्ट कंपैरिजन हो, तो वहां कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आता है, वहां आता है मेटाफर। यानी लाइफ इज लाइक अ ड्रीम नहीं कहा, लाइफ जो है वो ड्रीम की तरह नहीं है, डायरेक्ट ही उसको ड्रीम कह दिया, लाइफ इज ड्रीम। तो यहाँ हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये है हमारा मेटाफर। क्लियर। सी द नेक्स्ट, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। स्टूडेंट ये वॉन्डर्ड है, वॉन्डर्ड मीन्स घूमना, यानी एमलेसली विदाउट किसी पर्पस के इधर उधर घूमना। तो ये क्या कहता है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये वर्ड्सवर्थ की पोयम का डेफोडिल्स का है। इसमें क्या कहा गया कि मैं मतलब घूम रहा था कैसे, एज अ क्लाउड, जब ये एज वर्ड आ जाता है, मैंने तीन वर्ड्स आपको बताया लाइक सो और एज, अगर ये किसी सेंटेंस में आ गया तो अब तुरंत समझ चाहिएगा कि यहाँ पर सिमली है, यानी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन किया गया है कि मैं क्लाउड की तरह इधर उधर घूम रहा था, तो यहाँ एज वर्ड आ गया, तो यहाँ पे अपने आप क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका सिमली। क्लियर। नाउ सी द नेक्स्ट, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, यानी कुछ, हैविंग नथिंग मीन्स यानी उसके पास कुछ भी नहीं था, ही हैथ ऑल फिर भी सब कुछ था, यानी उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ था। अब ये दो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया, यानी बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, जब किसी के पास कुछ नहीं है तो सब कुछ कैसे है, तो जब दो विरोधाभास वाली बातें हों, यानी बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हों, तो वहां पर क्या होगा, वहां हमारा होगा ऑक्सीमोरॉन। तो यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरॉन। जैसे मैंने बताया था दिस इज एन ओपन सीक्रेट, ही इज रेगुलरली इररेगुलर, इसी तरह क्या है, हैविंग नथिंग
ही हैथ ऑल, कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ था. गॉट इट? ये आपकी पोयम की ही लाइन है, याद करिए. द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ. क्लियर? नाउ सी, लाइफ इज बिटर स्वीट. स्टूडेंट अब इसको देखिए, लाइफ इज बिटर स्वीट. अब ये दो बिल्कुल अपोजिट वर्ड है. बिटर मीन्स क्या होता है? खट्टा, कड़वा. उसका अपोजिट क्या? स्वीट. यानी जब दो अपोजिट वर्ड एक ही सेंटेंस में आ गया तो वो क्या, वहां पे हमारा क्या है, ये भी हमारा ऑक्सीमोरॉन होगा. गॉट इट? सी द नेक्स्ट. द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ अ पार्टिंग डे. सो मैंने बताया था जब साउंड की बात है, जैसे डोर क्रैकिंग ऑफ द डोर या लैपिंग ऑफ द वाटर, पानी के झरने का जब पानी गिरता है तो उस पानी के गिरने को कहते हैं लैपिंग. या स्नेक की आवाज क्या होती है? हिसिंग. या मंकी की आवाज चैट, इस तरह चैटर. इस तरह से जितनी भी ये आवाज आती है वॉइस, तो वो हमारा जैसे कर्फ्यू. यहाँ पे क्या है? कर्फ्यू नहीं, चर्च की जो बेल होती है जब वो बजती है, तो बेल का बजना यानी साउंड की बात करा, तो जब साउंड की बात होती है तो वहां हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है ओनोमोटोपोइया. क्लियर? तो यहां पे है हमारा ओनोमोटोपोइया. स्पेलिंग याद कर लीजिएगा स्टूडेंट, सारे और जितने भी फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि वहां आपको लिखना रहेगा. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट. ही इज एन इनोसेंट क्रिमिनल. अब देखिए इसमें भी विरोधाभास है. जब कोई इनोसेंट होगा तो वो क्रिमिनल कैसे होगा, और क्रिमिनल होगा तो इनोसेंट कैसे होगा? यानी जब दो अपोजिट वर्ड्स आते हैं जिनकी मीनिंग बिल्कुल अपोजिट है, तो वो हमारा क्या है? दैट इज ऑक्सीमोरॉन. गॉट इट? नाउ सी द नेक्स्ट. ओ माय लव इज लाइक रेड रेड रोज. स्टूडेंट मैंने पहले ही बताया था सिमली में क्या कौन कौन से वर्ड होते हैं. सो लाइक एज, तो यहां पर कौन सा वर्ड आ गया? लाइक, यानी लाइक वर्ड आ गया. तो ये हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? ये हुआ हमारा सिमली. यानी माय लव इज लाइक रेड रोज. सी द नेक्स्ट. अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वन. यानी जो अपॉर्चुनिटी होती है, यानी जो शुभ अवसर होते हैं, वो हमारे जिंदगी में जरूर आते हैं लेकिन सिर्फ एक बार. अब अपॉर्चुनिटी को क्या कहा? अपॉर्चुनिटी क्या है? सुनहरा अवसर. ये अवसर क्या है? अपॉर्चुनिटी क्या है? वो ऐसा बात है जिसको हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं. दिस इज एन वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. यानी जब हम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को ऐसा फील करते हैं जैसे कि वो कोई ह्यूमन बींग हो. क्या अपॉर्चुनिटी अगर दरवाजा खटखटाएगी? ये तो वही कर सकता है जिसके पास हाथ हो. ऐसे ऐसे तो हम ही नॉक कर सकते हैं. तो वी इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे बिहेव किया गया है कि जैसे वो कोई ह्यूमन बींग हो, तो इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. क्लियर? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, उसी तरह अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस. तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इसमें है आपका पर्सोनिफिकेशन. यानी जब लाइफलेस थिंग्स या अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, यानी बिल्कुल अमूर्त आइडिया की बात हो, या जो लाइफलेस थिंग्स होती हैं उनको ऐसे बिहेव किया जाए जैसे वो इंसान हो, जिनके हाथ पैर हो, जिनको बोलना सुनना चलना फिरना आता है, तो ऐसी चीज़ों को हम जब वो यूज होता है तब वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन आपका होता है. क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट. ओ ग्रीव वेयर इज द विक्ट्री. स्टूडेंट ये साइन मैंने आपको बताया था, जब ये साइन आपको मिले तो आपको तुरंत पता कर लेना है कि दिस इज अपोस्ट्रोफी. यानी हम जो ग्रेव है, ग्रेव क्या है? कब्र. ग्रेव को हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि जैसे उसको एड्रेस कर रहे हैं, यानी उसको संबोधित करके बात कर रहे हैं. ओ ग्रेव वेयर इज द विक्ट्री. तो जब हम लाइफलेस आइडिया को या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को या लाइफलेस थिंग्स को ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उसमें ह्यूमन बींग हो, और उसके साथ उसके साथ ये हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, तो वहां पर हम अपोस्ट्रोफी आपका फिगर ऑफ स्पीच है. यानी आप किसी मृत वस्तु से ऐसे बात करते हैं, संबोधित करके बात करते हैं, तो वो हमारा क्या है? वहां पर अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच आएगी. गॉट इट? नाउ सी द नेक्स्ट. 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस. ये लाइन आपको याद है, ये डेफोडिल्स पोएम की है जो शायद आप लोगों ने क्लास 7th 8th में पढ़ी हो. इसमें क्या है? 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस. एट अ ग्लांस मीन्स यानी एक बार में, एक नजर में मैंने लगभग 10,000 फ्लावर्स को देख लिया.
तो ये यानी एक अतिशयोक्ति है, यानी इसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है। तो जब ऐसी बातें हों जहां पर किसी बात को हम बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? दैट इज हाइपरबोल। तो ओके स्टूडेंट, आई होप कि ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया आपको, इससे कुछ भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। तो आप इसकी अगर और प्रैक्टिस करेंगे तो दैट विल बी क्लियर टू यू, और आपका एक अच्छा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ओके, डू प्रैक्टिस एंड डू वेल, कीप स्टडिंग। थैंक यू।